कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि अगर ग्लोबल से बीजीएमआई में आ सकते हैं अपन, ठीक है, मतलब अपन ग्लोबल खेलते थे एक आईडी से, और उसी आईडी से अगर अपन बीजीएमआई में आएंगे तो आराम से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ आई थी कि बीजीएमआई से वापस अगर अपन ग्लोबल में चल गए तो 50 साल के लिए बैन पड़ेगा। भाई 50 साल बहुत ज़्यादा होता है भाई, मैंने आज तक नहीं देखा। तो अपन आज वो ट्राई करके देखने वाला हूँ मैं। देखो ये मैं बीजीएमआई में लॉगिन कर रखा है, 15 लेवल भी है इसमें, एक दो मैच खेले थे मैंने, ठीक है, और यही वाली आईडी मेरी ग्लोबल में थी पहले। तो पहले इसको मैं अभी बीजीएमआई में लॉगिन है, अब इसको वापस ग्लोबल में जाके लॉगिन करने वाला हूँ। तो देखते हैं मेरे को बैन पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। अभी कुछ लोगों को लग रहा हो बीजीएमआई नहीं है, तो ये ड्रेस देख लो, केवल उसी में मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ग्राउंड्स इंडिया। तो अभी अपन ब्लू स्टैक को बंद करेंगे, ठीक है, और अभी अपन मैं गेम लूप चालू करूंगा। तो गाइस गेम लूप तो चालू हो गया, अभी जस्ट पबजी मोबाइल ओपन करना है अपन को। तो गाइज अपना खुल चुका है, अभी जस्ट प्ले गेम्स पे। पता नहीं यार अभी क्या होगा, मैं खुद मतलब ऐसे बैन ना हो जाए भाई यार आईडी, देखते हैं बट क्या होता है। तो इस पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो लॉगिन क्यों नहीं हुई भाई, एरर, बैन का तो अभी कुछ आया नहीं। मैं सोचा था बैन हो गई होगी, होगी मतलब वो आएगा नोटिस। गाइस आपके सामने मेरी आईडी चल चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ये ही आईडी बीजीएमआई में लॉगिन करी थी और यही आईडी अब ग्लोबल में लॉगिन करी, मेरी चल गई। अभी एक और अपन देखेंगे, जैसे अभी मेरी ये पहले ये वाली आईडी ग्लोबल में भी थी, ठीक है, ये जो मेरी आईडी है अभी जिसको मैं अभी ग्लोबल में लॉगिन किया हूँ, ये पहले ग्लोबल में खेलता था इससे, और इसको मैंने बीजीएमआई में लॉगिन करी, हो गई। अब वापस इसको ग्लोबल में करी, हो गई। आपने सुना हो तो डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन आ रखा है पबजी की तरफ से कि आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, उसमें स्किन विस्किन जो भी कपड़े वपड़े आ जाएंगे, तो वो मैं डेटा ट्रांसफर करके फिर ग्लोबल में लॉगिन करके देखते हैं कि बैन होती कि नहीं होती, ठीक है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है अकाउंट ट्रांसफर हो चुका है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। देखो मैंने पिछली बार क्या करा था कि बिना ट्रांसफर करे अकाउंट ग्लोबल में लॉगिन करा था, लेकिन अब मैंने डेटा ट्रांसफर कर लिया और अब मैं ग्लोबल में लॉगिन करता हूँ, देखते हैं कि मतलब वो बैन होती कि नहीं होती आईडी, ठीक है। तो चलो ब्लू स्टैक को बंद करते हैं और गेम लो ओपन करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ओके गाइस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, नहीं सॉरी, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड मोबाइल हो चुका है। ओके ओके गाइस योर अकाउंट हैज बीन माइग्रेटेड टू अनदर वर्जन, कैनॉट लॉग इन टू दी वर्जन, प्लीज डाउनलोड द करेक्ट वर्जन बिफोर ट्राइंग अगेन। ना कोई बैन मिला है ना कोई कुछ मिला है, ठीक है, अपन लॉग इन नहीं कर सकते, बस ये सिंपल सा ये लॉजिक है। मतलब केवल अब तुम बीजीएमआई खेल सकते हो उस अकाउंट से, ठीक है, ग्लोबल में नहीं आ सकता अगर आपने अकाउंट ट्रांसफर कर ली, डेटा ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो देख लेना उस हिसाब से, देखो वापस मैंने करके देखा वो ये जा रहा है। अब एक और बात, अब देखते हैं अपना वो उसमें चल रहा है क्या, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू स्टैक में चल रहा है क्या बीजीएमआई इस अकाउंट से, वो भी तो देखना पड़ेगा कहीं पे वहां पे बैन मिल जाए।
सो गाइज आप देख सकते हो BGMI चल रहा है, ठीक है, उसी अकाउंट से चल रहा है इजीली, कोई बैन वैन का कोई इशू नहीं है। वो फेक न्यूज़ थी, और वो न्यूज़ भी पता कब की थी, अराउंड जब ये लॉन्च हुआ था 17-18 तारीख के आसपास की न्यूज़ थी, ठीक है, 17-18 जून, बहुत टाइम हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं, छोटा सा अकाउंट है, क्या हो गया, बैन वैन हो जाए, कोई नहीं, वीडियो भी बन जाएगी, इस बारे में व्यूज़ तो आएंगे यार, है ना, सही है। चलो अभी देखते हैं एक बार। तो गाइज आप देख सक, अरे यार दिखा देंगे भाई, तो आप देख सक, अरे तो आप गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा बंदा खड़ा है, ठीक है, ये वही अकाउंट है, नो टेंशन, ठीक है, आराम से लॉग इन करो, लॉग आउट करो, कोई टेंशन नहीं है, कौन से भी अकाउंट में डेटा ट्रांसफर कर लिया तो अलग बात है। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।